हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आपको पता ही होगा कि हमारे शुगा का बर्थडे आने वाला है। आप भी मेरी तरह एक्साइटेड होंगे। तो चलिए, आज मैं न्यू स्टोरी लाई हूँ, द प्रिंसेस एंड द टाइगर। आप यही सोच रहे होंगे ना कि इस कहानी में ऐसा क्या है, ये तो आपको एंड में पता चलेगा। और आपको इसका आंसर मुझे कमेंट में देना है। मैं ये स्टोरी पूरी नहीं करने वाली, सो आपको मुझे इसका आंसर कमेंट में गेस करके बताना है। ओके, तो आई होप कि आप सभी इस कहानी के लिए एक्साइटेड होंगे। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कहानी की स्टार्टिंग कुछ ऐसी होती है जहाँ पर एक राजा था और राजा की एक राजकुमारी थी। उस राजकुमारी का बहुत बड़ा पैलेस था और वो वहीं पे रहती थी। उसके राज्य में किसी को भी सीरियस क्राइम करने पर यानी गंभीर गुनाह करने पर डेथ की यानी मौत की सजा दी नहीं जाती थी। ऐसा क्यों था तो हम देखते हैं आगे। उसके लिए एक एरेना होता है। एरेना एक ऐसी चीज है जहाँ पर उसके आसपास लोग बैठे होते हैं और जिसमें गुनहगार को खड़ा किया जाता है। उसमें जो गुनहगार है उसको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। दो ऑप्शन में एक तरफ एक दरवाजे के तरफ एक लड़की होती है और लड़की चूज करने पर उसको उसके साथ शादी करनी होती है, और दूसरी तरफ एक टाइगर होता है। जो टाइगर मिल जाए उसको यानी कि वो टाइगर को चूज करे तो उसको टाइगर खा जाता है। और गुनहगार ने जो टाइगर वाला चूज कर लिया तो वो टाइगर उसे खा जाता है और ये उसका दुर्भाग्य होता है। इसी तरह से उसके राज्य में गुनहगार को सजा दी जाती थी। इसी तरह से समय बीत रहा था। समय बीतते बीतते राजकुमारी को एक सोल्जर से प्यार हो जाता है और सोल्जर का नाम था छेके और राजकुमारी का नाम था वी। और ये सारी बात अब राजा को यानी कि जिन को पता चल जाती है। उसकी बेटी अब एक सोल्जर के प्यार में पड़ गई थी और वो अब सोल्जर से प्यार करती थी और उसी के साथ शादी करना चाहती थी। ये सारी बातें राजा को यानी जिन को पता चल जाती है। और इस वजह से राजा बहुत गुस्से में था और राजा ने अपनी राजकुमारी यानी कि अपनी बेटी को उससे मिलने के लिए जाने से मना कर दिया। और राजा को लगा कि एक सोल्जर की इतनी हिम्मत जो मेरी बेटी से प्यार करने की कोशिश कर, इसी वजह से राजा ने उसे दंड देने की सजा फरमाई और उसने उसको एरेना में बुलाया। अब ये सारी बातें राजकुमारी को पता चल जाती है। राजकुमारी बहुत जेलस थी क्योंकि वो सोच रही थी कि आखिरकार छेके ने वो लड़की वाला ऑप्शन चूज कर लिया तो उसको उससे शादी करनी होगी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो लड़की वाला ऑप्शन चूज करे। और दूसरी ओर ये भी नहीं चाहती थी कि वो टाइगर वाला ऑप्शन चूज करे क्योंकि वो ये भी नहीं चाहती थी कि जेके उसकी आंखों के सामने मर जाए। इसलिए उसको ये पता था कि किस दरवाजे के पार लड़की है और किस दरवाजे के पार टाइगर है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती सोल्जर यानी जेके को। और अब सोल्जर को एरेना में लाया जाता है। सोल्जर जेके वी के सामने देखता है। वी के पास ही में राजा बैठे थे और राजकुमारी का दिल पिघल जाता है, इसलिए उसने अपनी आंख से इशारा करके सोल्जर को एक दरवाजा चूज करने को कहा। तो उसने कौन सा दरवाजा चूज करने को कहा होगा, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अब तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को। और आपको इस स्टोरी का आंसर मुझे कमेंट में बताना है क्योंकि मैं इसका आंसर आपको नहीं बताने वाली और ये स्टोरी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। ओके, तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और प्लीज आर्मीज, आपको मुझे इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना है, टाइगर वाला ऑप्शन यानी ए और लड़की वाला ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन, आपको मुझे इसका आंसर जरूर बताना है और रीजन के साथ बताना है। आपको ये भी लिखना है ऑप्शन ए होगा या बी होगा और उसका रीजन लिखना है। ओके, तो मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय आर्मी, सरंग यू, आई पर्पल यू। और प्लीज मुझे आप सपोर्ट कीजिए, मेरे डेली 33 से 34 सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं?
आप लोग जो BTS की कसम देते हैं उसे आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर कर देते हैं, आप उनके लिए सभी सब कुछ यानी कि सब कुछ करते हैं, तो फिर मैं तो आपको किसी को भी कसम भी नहीं देती, तो फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? हाँ बताओ मुझे। और आप शॉर्ट्स पर 3 से 4 व्यूज देते हो, इसका क्या मतलब हुआ? मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ तो फिर मुझे आप सपोर्ट क्यों नहीं करते? आर्मी प्लीज आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज 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 आर्मी प्लीज आज आप मेरे लिए इतना कर दीजिए, प्लीज मुझे सपोर्ट कर दिए। ओके, और आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी करना। ओके प्लीज 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 आर्मी, इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज आर्मी प्लीज, मेरे लिए नहीं तो आप BTS के लिए भी कर दो प्लीज आर्मी। लोग कहते हैं पागल भी न जानू, दिल लुटाया है मैंने, अब किसी के न मानू चैन। तुझे लड़के में आया मेरे क्या, मैं बोली तेरी आंखों पे मर गई, मैं बोली तेरी बातों पे मर गई, तू थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा जो मैं तुझे पे ही पूरी बिखर गई। यार तारी कम मरी यार, मारी यार तारी कम मारी यार, ये कर कुर्मा पावो वाग्यो ने मारो सूतो सोनी डो जाग्यो जवान लाल बम मारी यार, लाल बम मारी यार, बम मारी यार, लाल बम मारी यार। Maybe.